नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। ठीक है, देखिएगा, आपको पता है हमारा सांख्यिकी चल रहा है। उस सांख्यिकी में हम लोगों ने माध्य वाले सवाल सारे खत्म किए थे। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको देखिएगा, मैंने माध्य के सारे सवालों को उसमें कवर किया है। ठीक है, इस चैप्टर को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से करवा रहा हूँ। अगर आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, SSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मेरे भाई, आज की इस वीडियो में माध्यिका के सवाल देखने वाले हैं, माध्यिका में जो सवाल बनते हैं। इसके बाद बहुलक के भी मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ये सारी चीजें आपके पास आती रहेगी। तो माध्य की क्लास आप जाके देख लीजिएगा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवल माध्यिका के बारे में। ठीक है, इसमें अभी मैं सारणी वाले सवाल, जो टेबल वाले सवाल है गुड्डू, वो छोड़ रहा हूं। टेबल वाले सवाल जो भी है सारणी वाले, वो हम एक ही वीडियो में सब सवाल कवर कर लेंगे। उससे आपका टाइप धांसू हो जाएगा, कोई दिक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा। देखो, माध्यिका में मेरे भाई दो प्रकार के क्वेश्चन हमारे बनते हैं ज्यादा। देखिएगा ध्यान से, आपके दो प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें जो आंकड़ा दिया जाता है आपको सम में दिया जाता है, यानी सम संख्या में दिया जाता है, और एक में दिया जाता है आंकड़ा आपको विषम में। एक में दिया जाता है आपको विषम में। मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, मैं जो तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। तो आपके जो बिना सारने वाले सवाल है वो इस वीडियो को देखने के बाद कभी गलत नहीं होंगे। आप इससे देख के जाइए और किताब से, कोई सी भी किताब उठा के आप सवाल करिए, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, देखिए मेरे भाई, तो यहाँ पे एक सम के सवाल आते हैं और एक विषम के आते हैं, हम दोनों को कवर करने वाले हैं। आप ध्यान से देखिएगा अच्छे से। पहले ही सवाल को लेते हैं, ई लीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा। निम्न चर मानों की माध्यिका बताइए, मीडियन बताइए, माध्यिका बताइए, मीडियन बताइए। देखो, आपको जो डाटा दे रखा है मेरे भाई, जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको अच्छे से समझना। आपको जो डाटा दे रखा है, उस डाटा में आप सबसे पहले ये देखिए कि वर्ड कितने हैं, टोटल अक्षर कितने हैं, टोटल संख्या कितनी है, ये देखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बताइए टोटल पदों की संख्या कितनी है, 9 है। एक सवाल ये आएगा जिसमें आपको विषम संख्या दी जाएगी, जैसे कि 9 आ गया है, कभी हो सकता है 12 आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं विषम के बारे में। ये क्लियर करने के बाद हम चलेंगे सम के सवालों पर। ठीक है, देखिएगा, तो यहां पे 9 है। देखिए, जो भी आपको डाटा दे रखा है, सबसे पहले आपको उसको आरोही क्रम में जमाना है। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में। बोले अवरोही में जमाओ, तो अवरोही में जमाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको इसे आरोही क्रम में जमाना है। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं, पहले इधर देखिएगा, अवरोही क्रम में जमाने पे भी सही आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हम लोग आरोही से सवाल करेंगे। ठीक है, आरोही क्या होता है? छोटे से बड़ा। और अवरोही क्या होता है? बड़े से छोटा। अवरोही क्या होता है? बड़े से छोटा। मैं लिख देता हूं आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा कि छोटे से बड़ा, ध्यान से सुनना, छोटे से बड़ा, ये हो जाएगा आपका कौन सा क्रम? आरोही क्रम। ठीक है, और बड़े से छोटा, और बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, ये कौन सा क्रम हो जाएगा आपका? अवरोही क्रम। याद रखिएगा, देखो नाम में दिख रहा है आरोही छोटा है दिखने में, अवरोही बड़ा है। तीन शब्दों का नाम है, चार शब्दों का नाम है, तो ये जो छोटा है ये छोटे से बड़ा की ओर, अवरोही बड़े से छोटा की ओर। ये बात समझ में आई? तो इसमें जब आपको डाटा दिया जाए तो पेपर में क्वेश्चन को देखिएगा और आरोही क्रम में डाटा को लिखिएगा। ठीक है, तो देखो भाई, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक बताऊंगा कि गलती क्या होती है। तो भाई, सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है हमें ये बताइए। तो सबसे छोटा नंबर होगा 2 की सीरीज में, मतलब जैसे 25 है ना 2 की सीरीज में, तो हमें तो 2 की सीरीज में केवल एक ही नाम दिखाई दे रहा है, तो मैं लिख देता हूं 25। ठीक है, अब मैं देखता हूं 3 की सीरीज में कितने हैं, 3 की सीरीज में कितने हैं, ये 3 की सीरीज में, ये 3 की सीरीज में है, और ये भी 3 की सीरीज में है, ये भी 3 की सीरीज में है। तो हम देखते हैं सबसे छोटा कौन दिख रहा है, तो भाई हमें 31 नजर आ रहा है। 31 के बाद उससे बड़ा कौन दिख रहा है, तो 32 दिख रहा है। 32 से बड़ा कौन दिख रहा है, 37 दिख रहा है, और 37 से बड़ा क्या दिख रहा है, 39 दिख रहा है। समझे मेरी बात को? ये मैं कौन से क्रम में जमा रहा हूं? आरोही क्रम में। इसके बाद भैया 3 की पिक्चर तो खत्म, अब देखिए 4 की लाइन में कौन कौन है, ये 4 की लाइन में है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए 4 की लाइन में कि सबसे छोटा कौन है, क्योंकि हम जमा रहे हैं कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। तो ये देखिएगा 42 43 46 45, तो हम लिखेंगे 42, के बाद लिखेंगे 43, के बाद क्या लिख देंगे, 46 नहीं मेरे भाई, 45, क्योंकि सवाल में 45 है, और 45 के बाद क्या लिख देंगे, 46। चलिए, सब लिख दिया या कुछ बच रहा है बताइए, लिख दिया या कुछ बच रहा है?
ये मैंने पहला काम किया क्या मेरे भाई, मैंने पहले इसको आरोही क्रम में जमाया। मेरी बात समझ में आ रही है, पहले मैंने इसे आरोही क्रम में जमाया। अब आप ये देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में हमारे 9 संख्याएं थी, क्या हमने कोई ज्यादा तो नहीं लिख दी या कोई कम तो नहीं लिख दी, एक बार चेक कर लेना, अन्यथा गलत हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सही है। कभी कभी क्या होता है पता है आपको, कि इसमें 9 होती है और हम डबल 10 लिखे देते हैं, कभी ऐसा होता है कि 9 होती है और हम एक कम कर देते हैं, तो इसलिए श्योर हो जाना कि इधर 9 है इधर 9 है, मतलब हम सही जमाए हैं। अब आप ये देखिए कि पदों की संख्या कितनी है, लिखे देता हूं मैं, पदों की संख्या कितनी है मेरे भाई, 9 है। तो देखो विषम का तरीका पहले मैं बता रहा हूं, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे, सम की। विषम में क्या करना है आपको, इसमें एक जोड़ना है, तो भैया 9 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10, और इसका आधा कर देना है यानी हाफ कर देना है। तो इसका अगर मैं हाफ करूंगा तो दूसरे कितनी बार कटेगा, 5, तो पांचवा पद आपका आंसर होगा। ध्यान रखना आपका पांचवा पद आंसर होगा, इस चीज का ध्यान रखना भैया। ऑप्शन में कभी 5 है तो 5 मत लगा देना, मैं क्या बोल रहा हूं सुनिएगा, जो आपने जमाया है उसमें पांचवे नंबर का जो पद है, फिफ्थ नंबर पे जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो देखिएगा n का मान 9 है, 9 में एक जोड़ दिया कितना हो गया, 10, 10 का आधा 5, पांचवा पद 1 2 3 4 5, क्या आंसर होगा, 39, 39 आंसर हो जाएगा मेरे भाई, खत्म। ठीक है, ये आपका विषम का तरीका है। सम का क्या रहेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले इसको पक्का कर लीजिए, अगर इसको पक्का हो तो हम आगे बढ़े। ठीक है, तो ये 9 दिया था, 9 में एक जोड़ा 10, 10 का आधा 5, पांचवा पद आंसर 1 2 3 4 5, ये आंसर हो जाएगा। ऐसा मत करना कि जमाए बिना यही देख लें कि 1 2 3 4 5 गुड्डू 46 गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आधे बोलेंगे सर बीच वाली संख्या आंसर, बिल्कुल गुड्डू बीच वाली संख्या आंसर, लेकिन मेरा काम है आपको पूरा समझाने का, अच्छे से बताने का, ठीक है, ताकि दिक्कत ना आए। चलिएगा आगे बढ़ते मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। तो ये हो गया पांचवा पद, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और अच्छे से। ये क्वेश्चन देखो रेलवे ज्यादा पूछता है, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका बताइए, मीडियन बताइए, माध्यिका बताइए। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो चलिएगा पहले जो एक सीरीज में है हम उसे देख लेते हैं, एक की सीरीज में कौन है, 7 है, 2 है, 3 है, 7 है, 4 है, 9 है, 9 है और ये 7 है। तो भैया हमें सबसे छोटा शायद निकल आ रहा है 2, सबसे छोटा 2 नजर आ रहा है, 2 के बाद हमें नजर आ रहा है 3, तो 3 कितनी बार है, 3 तो शायद एक ही बार है। ठीक है, 3 तो शायद एक ही बार है। इसके बाद हमें नजर आ रहा है 4, क्या नजर आ रहा है, 4, तो 4 लिखे देते हैं, 4 कितनी बार है, एक ही बार है का। ठीक है सर, अब कि 4 के बाद कौन नजर आ रहा है मेरे भाई, 7 नजर आ रहा है, तो 7 यहाँ पे है, एक बार 7 है, और भी 7 है क्या यहाँ पे, 7 भैया 17 है। ठीक है, 7 7 दो बार हो रहे, ये 7 7 हो जाएगा, सिंगल डिजिट का काम खत्म। और भी कोई है का, यह सर 9 भी दिख रहा है, कितनी बार है भाई, 2 बार है, ये 9 9 लिख दिए। अब देखिए ये सिंगल डिजिट का काम खत्म हो गया, अब देख लेते हैं डबल डिजिट का कौन है, डबल डिजिट का कौन है मेरे भाई। तो भाई 21 दिख रहा है, 17 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, ये 3 लोग और बचे हैं, 21 17 13। तो पहले क्या लिखूंगा मैं, 13, फिर क्या लिखूंगा मैं, 17, और आखिरी में क्या लिखूंगा मैं, 21। क्या लिखेंगे, 21। कंफर्म कैसे करेंगे सुन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 100% सही जा रहे हैं, हम 100% सही जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए अब सिंपल सी बात, पदों की संख्या कितनी है, 11 है, कितनी है, 11 है, और देखिएगा 11 है। अब बोलो सर बीच वाली संख्या आंसर, बाबू बीच वाली देखेंगे तो ये इधर छोड़ेंगे इधर छोड़ेंगे, बीच की देखेंगे तो इसमें क्या, चलो ये छोटा डाटा है तो हम कर लेंगे, कल के दिन हमें 21 दे दे या कुछ 27 दे दे तो हमें समय खराब नहीं करना है, फटाक से अपना काम कीजिएगा। ये बताइए आप लोग हमें 11 और 1 कितना होगा, 1 जोड़ दो, 11 और 1 होगा 12, 12 का क्या करना है, 12 का हाफ करना है, 12 का आधा करना है। ये बताइए 12 का आधा कितना होगा, 6, छठा पद आपका आंसर हो जाएगा, छठा पद। ठीक है, 6 टर्म्स में आपका आंसर आ जाएगा, छठा पद। तो ये बताइए छठा पद कौन सा दिख रहा है, आगे से गिनिएगा, है ना, 1 2 3 4 5 6, ये आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो भैया जो आपकी माध्यिका होगी, जो आपकी मीडियन होगी, वो कितना आंसर आएगा भाई, 7 आएगा। ये तो ऑप्शन में दिया होगा, कौन से ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में है भाई, सी वाले ऑप्शन में। समझ गए, 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने जिसमें डाटा विषम में था, जिसमें डाटा विषम में था, तो तीसरा सवाल है
देखते हैं वो काई का है, फोड़ दीजिएगा उसको, ई लीजिए भी फटाक से। एक कक्षा के 11 छात्रों का भार किलोग्राम में इतना है, इनकी माध्यिका बताइए। भैया 11 छात्र हैं, बता दो 11 छात्र हैं, विषम डाटा है, कर लीजिए इसको। ठीक है, क्या जमा हुआ दे रखा है क्या ये पहले से है? नहीं दे रखा जमा हुआ, क्यों? क्योंकि देखो 32 और 30, 30 बाद में लिखा है, गलत हो जाएगा। ठीक है 11 है, ये तो हमें पता चली गया, 11 और एक 12, 12 का आधा 6, छठा पद आंसर, छठा पद आंसर। देखो एक और काम कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, हमें पता है कि 11 है, एक बात सुनिएगा, हमें पता है 11 है तो मैंने 11 में एक जोड़ दिया, सुनो सुनो बेसिक तो बता ही देंगे, 11 में एक जोड़ दिया कितना आ गया 12, वो 12 का मैं आधा कर दूं, 12 का मैं आधा कर दूं, देखना इधर, तो 12 का आधा क्या होगा 6 होगा, छठा पद आंसर, छठा पद आंसर। तो कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप समझना, छठा पद आंसर है तो हमको सबको आरोही क्रम में जमाने की जरूरत नहीं है, छठे पद तक जमा लीजिए वही आंसर होगा, भग जाइए फटाक से। कैसे देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि सबसे छोटा डाटा 2 की सीरीज नजर आ रही है, ये 2 की सीरीज में, ये 2 की सीरीज में, ये 2 की सीरीज में, ये भी 2 की, ये भी 2 की सीरीज में, ठीक है, तो भाई हमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है जल्दी बताइए, सबसे छोटा कौन दिख रहा है? तो सर 25 दिख रहा है, 25 के बाद 26 है का, बिल्कुल है सर, ये रहा 26 के बाद क्या दिख रहा है सर 27 दिख रहा है, वो रहा कोने में, 27 के बाद कितना दिख रहा है सर 28 दिख रहा है, 28 के बाद कौन दिख रहा है सर 29 दिख रहा है, 29। अच्छा देखो कितने अक्षर हो चुके हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो चुके हैं, और आपका आंसर कौन सा है छठा पद, कौन सा आंसर है छठा पद, तो जस्ट इसके बाद जो आने वाला है ना वही आंसर होगा, जो इसके जस्ट बाद आने वाला है वही आंसर होगा। तो देखिएगा इसके बाद कौन सी सीरीज आएगी, तो सर 3 की सीरीज में आएगा, क्योंकि प्रश्न में दिख रहा है ना, ये 3 की सीरीज में, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, 41 तक तो बात ही नहीं होगी मेरे भाई। तो ये बताइए आप ही, 30 32 31 34, सबसे छोटका कौन है 30 है, सबसे छोटका कौन है 30, अब 30 के बाद लिखूंगा तो कितना आएगा, 30 के बाद लिखूंगा तो 31 आ जाएगा, बट अगर मेरा आंसर यहाँ आ रहा है तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो छठा पद आंसर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो क्या आंसर हो जाएगा 30 आंसर हो जाएगा, खत्म सवाल, कितना आंसर हो जाएगा 30। तो कभी हमें डाटा ज्यादा भी दे दे, मान लो यहाँ 21 दे दे, मान ली 31 दे दें, तो जरूरी नहीं है कि हम पूरा 31 के 31 लिखें, हम इस प्रकार से भी हमारा काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात को, नहीं समझे तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करना, वापिस से बात को सुनिएगा, आ जाएगा समझ में। ठीक है अब देखते हैं, हम हमारे वापिस से बेसिकली थोड़ा कर लेते हैं ताकि चीजें हो जाए। आ गया देखो ना इधर भाई, समझिएगा छठा पद आंसर है, तो हमारी बात हो ही गई थी, इधर जमा लेते हैं इसको, अरे इधर आ जाते हैं। ठीक है भाई अब बताइए, 28 था ना, 28 के बाद क्या लिखे थे हम लोग, कुछ था कि नहीं 28 के बाद, 29 था सर, 29 है ना, 29 के बाद हम 3 की सीरीज में गए थे, तो 3 की सीरीज में हमें कौन लिखा था 30 32 31 35 34, तो मैं लिख देता हूँ 30, हम लिख देते हैं 31, 32 भी था का, ये रहा 32, और क्या था 33 था, नहीं था, क्या था 34। ठीक है और बताइए अब बस, और 40 की सीरीज में कौन था, 40 की सीरीज में केवल 41 दिख रहा है, अब इनको देखिए कितना था ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई छूट गया क्या, कोई छूट गया क्या, ये बताइए 32 है, 32 ले लिए थे। ठीक है 32 के बाद 31 भी हमने ले लिया था, 34 है, 35 नहीं लिखा है हम, देखो यहाँ 35 भी था ना, यहाँ 35 लिख लो 35, और ये आखिरी में कौन हो जाएगा 41, हो गया ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, अब 11 का 11 में एक जोड़िए, एन का मान कितना आ रहा है 11, 11 में एक जोड़िए 12, 12 का आधा 6, छठा पद आंसर है, छठा पद आंसर है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, क्या आंसर होगा 30, खत्म। और हालांकि मैं आपको बता ही चुका था 30 आंसर है, हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, समय बचा के हम हमारा काम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है फिर भी मैंने आपकी संतुष्टि के लिए पूरा सवाल कर दिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, आंकड़ों की माध्यिका बताइए, मीडियन बताइए, मीडियन बताइए,
एक दो तीन चार पांच छ सात, ये बताइए एन का मान कितना है? सात है, मतलब सम है कि विषम है? विषम है। तो भैया ये सवाल मैंने आपको तीन सवाल करवा दिए हैं, मुझे नहीं लगता है ये आप गलत करोगे, मुझे नहीं लगता आप ये गलत करोगे। तो इसका आंसर जो भी है वो कमेंट में दीजिएगा, इसका आंसर जो भी है वो कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ अगले टाइप की ओर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, आरआरबी आरपीएफ कॉन्स्टेबल 2019 में सवाल बना है। क्वेश्चन में है 5, 2, 2, 7, 3 और 8 संख्याओं की माध्यिका बताइए, मीडियन बताइए। बहुत बढ़िया सर, देखिए इन सबको सबसे पहले हम आरोही क्रम में जमाते हैं, छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, फिर बात करते हैं। आरोही क्रम में जमाते हैं तो भैया हमें दिख रहा है 2, फिर दिख रहा है 2, फिर क्या है 3, ओके सर, फिर कितना मेरे भाई 5 लीजिए, फिर 5 के बाद है 7 और फिर क्या है 8। अच्छा सुनना, ऊपर कितने लेटर है गिने आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेटर है। नीचे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सही जा रहे हैं। ठीक है, अब सुनना, यहाँ पे एन का मान कितना है? 6। 6 में एक जोड़ेंगे 7, 7 का आधा मत करना, 3.5 मत लगा देना, ऑप्शन में बैठा है, गलती हो जाएगी, ध्यान से सुनना है। 7 का आधा कितना होगा? 3.5, 3.5 नहीं लगाना। तो समझना इसका तरीका क्या रहेगा, आप सवाल सम का आ चुका, विषम का मैं आपको बता चुका हूं, आप अच्छे से कर लिए होंगे, सम का समझना मेरे भाई। ठीक है, देखो सम का समझिएगा अच्छे से, आपको क्या करना है, ये जो 6 दिख रहा है, समझना मेरी बात को, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा, ये 6 दिख रहा है, इसको जोड़ना नहीं है, इसी का आधा कर देना है। बोले मतलब सर, मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि ये बताइए, जब इधर सवाल हम करते थे, कहाँ गया रे इरा, इधर सवाल हम करते थे तो एन कितना था? 11। तो क्या 11 का आधा होता था एक्यूरेट? बोले 11 का आधा तो हो जाएगा लेकिन एक्यूरेट नहीं होता था, इसको हम सम बनाते थे और सम बनाने के बाद इसका आधा करते थे। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, वो ऑलरेडी सम है तो उसका आधा हो जाएगा, तो उसको कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले ये करिए कि इसका हाफ कर दीजिए, इसका आधा कितना होगा? इसका आधा होगा 3। क्या होगा? 3। तो आपको तीसरा पद लेना है प्लस जस्ट इसके बाद वाला पद लेना है, यानी चौथा पद लेना है, उनका हाफ कर देना है, वही आंसर होगा। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, आपको पद लेना है, इन 7 का आधा मत कर देना, सुनो पूरी बात को, आधा अधूरा ज्ञान नहीं आने से भी ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए बात को पूरा सुनिएगा। मैंने क्या बोला, 6 का आधा करेंगे 3 आएगा, 3 के जस्ट बाद कौन सा पद आएगा यार, 3 के जस्ट बाद कौन सा आएगा, अभी मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा, पहले सुनो, इसका आधा 3 होगा तो तीसरा पद प्लस 3 के बाद वाला पद यानी चौथा पद, ये दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, सुनो, तीसरा पद कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये वाला पद और जस्ट इसके बाद वाला पद यानी ये वाला पद, ये दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। तो 5 और 3 कितना होगा? 8 होगा, 8 का कर देंगे आधा, तो बताइए 8 का आधा कितना होता है? 4 होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 8 का आधा कितना होता है? 4 होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार। तीसरा पद प्लस उसके बाद वाला पद बटे में कितना? 2। तो ठीक है, तीसरा पद कौन सा था? पहला, दूसरा, तीसरा, ये इसके जस्ट बाद वाला पद हो जाएगा मेरे भाई। 8 का आधा कितना होगा? 5 और 3 8, 8 का आधा कितना होगा? 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आपको वहां ये लिख के बताना नहीं है, आपको तो पता है तरीका, तो हम डायरेक्ट ही जा सकते हैं। देखो अब मान लीजिए हमें एग्जाम में सवाल करना है तो भाई जमाना तो पड़ेगा ना, कि बिना जमा ही उड़ा देंगे। अभी बताइए एन कितना दिख रहा है, तो सर हमें एन दिख रहा है हमारा 6 दिख रहा है। अब बताइए 6 का आधा कितना होता है, मौखिक सवाल कर सकते हैं ना, 6 का आधा कितना होता है? सर 3 होता है। तो 1, 2, 3 सर तीसरा लेना था, सर ने बताया था जस्ट इसके बाद वाला भी लेना था। 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, 8 का आधा कर दीजिए पटाख से, कितना आंसर आ जाएगा? 4, यही आपकी माध्यिका हो जाएगी, यही आपकी माध्यिका होगी आंसर। लो भैया समझ गए, आगे बढ़े, सरल है, ये लीजिए। तो भैया इसका आंसर बताइए, मैंने समझाने के लिए आपको छोटा सवाल लिया था, ये और बढ़िया सवाल है। देखिए आंकड़ों की माध्यिका बताइए, माध्यिका बताइए,
इसके अंदर भी हम वो वाला तरीका लगा सकते हैं, पता है कैसे? सुनो बात को, जैसे कि हमारे पास कितनी संख्या देखना, त्रिकोण करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सुनना एन मेरे पास 10 आया, देखना मेरे भाई 10 आया। अब बताइए 10 का आधा कितना होगा? 5। 10 का आधा कितना होगा? 5। पांचवा पद प्लस छठा पद बटे कितना? 2। तो आरोही क्रम में 6 पद तक जमा लोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए, मैं तो पूरा सवाल बताऊंगा आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, लेकिन मैं आपको चीजें बता रहा हूँ शॉर्ट में करने की, कि मेरे पास एन 10 था, 10 का हाफ कितना होता है? 5 होता है। तो पांचवा पद प्लस उसके बाद वाला पद बटे 2। तो देखिएगा, पांचवा पद ले लीजिए आरोही क्रम में जमाने के बाद, पांचवा पद ले लीजिए, छठा पद ले लीजिए, 2 का आधा कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब हमें 10 संख्या दी तो हमें 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जमाने की आवश्यकता नहीं है, अगर वास्तविकता में हम समझ गए हैं तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे आप शॉर्ट में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं इसको पूरा बता दूंगा ताकि आपका बेस क्लियर रहे, ताकि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें मिलती जाएगी। आगे बढ़ते हैं, तो मुझे दिख रहा है 2 की सीरीज में ही ये 2 की, ये 2 की सीरीज में, ये 2 की, ये 2 की सीरीज में है, और वो भी ये भी 2 की सीरीज में है, तो इनको जमा लें हम लोग। बिल्कुल सर, 20 फिर कितना है? 22 फिर 23 फिर 25 आगे बताइए 26 और 26 है क्या ना, ये रहा 28, ठीक है सर, और बताइए। बस 3 की सीरीज में देखो, 3 की सीरीज में कौन है? ये 3 में, ये 3 में, और ये भी 3 के फॉर्म में है, ये भी 3 के फॉर्म में है, आ जाइए। तो भैया 31 32 34 35 31 32 है, जगह कम पड़ गई का, ये देखिएगा 32 छोटा हो जा 32, और 32 के बाद क्या है हमारा 31 32 34 35 34 एंड 35 है ना, देख लेना एक बार गिनने से, मैंने आपको तरीका तो बता दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 था, 10 का आधा किए थे पांचवा पद, पांचवा पद के जस्ट बाद वाला पद 2 को जोड़ के आधा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये वाला पद, इसके जस्ट बाद वाला पद 2 को जोड़ के क्या करना है? आधा। 8 6 14 की 4 हासिल, 1 2 2 4 और 1 5, 54 54 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 27 आंसर, 27 आपका आंसर हो जाएगा, यही माध्यिक का है, क्या आंसर हो जाएगा? 27 27 आपका आंसर हो जाएगा, 27 27 27 27। चलिएगा अगले सवाल पे चलें, अगले सवाल पे चलते हैं, इसको देखिएगा, इसको देखिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल, ग्रुप डी 2018, संख्याओं की माध्यिका बताइए, संख्याओं की माध्यिका बताइए। अब आप फटाक से गिन के बताइए कि यहाँ पे टोटल क्या संख्या है, देखिएगा टोटल कितनी संख्या है, देखना मजे आएंगे भैया। एन बराबर कितना है गिन दो सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है, कितनी संख्या है? 14। अब देखिए मौखिक करते हैं सवाल को, 14 का आधा कर दीजिए, 14 का आधा कितना होगा? 7। सातवां पद प्लस आठवां पद बटे में कितना? 2। सातवां पद प्लस आठवां पद बटे में 2, क्या आसान सवाल था। अब 8 पद तक अगर आप जमा लेते हैं तो 7 8 को जोड़ के आंसर दे दीजिए, खत्म हो जाएगा खेल, खल्लास, खेल खल्लास। तो चलिए जमा दें हम, 8 तक जमा दें कि पूरा जमा है? 8 तक जमा देते हैं, देखिएगा। तो भाई सुनिएगा, है ना, छोट बता रहा हूं, मैंने 2 सवाल आपको डिटेल में बता दिए हैं ना कि आपको कैसे करना है व्यवस्थित जमा के। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम 7वां पद और 8वां पद तक जमा ले तो हमारा काम तो ऐसे ही हो जाएगा ना, तो हमें 14 तक जाने की जरूरत ही क्या है, ठीक है। तो देखिएगा, आप सबसे छोट का नंबर बताइए हमें, 5 दिख रहा है सिंगल डिजिट में, सिंगल डिजिट में और तो कोई है ही नहीं शायद, ठीक है ना, यहां लिख देते हैं 5। 5 के बाद डबल डिजिट में 17 है, 17 है, और 1 की सीरीज में कोई दिख रहा है क्या? नहीं, तो मैं लिख देता हूँ 17 17, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 की डिजिट में 2 2 वाले कहाँ है रे? 2 2 वाले है ही नहीं, 2 2 वाले तो कछु। 3 की सीरीज में देखते हैं, ये 3 है या 3 है, और कहाँ है 3? ये भी 3 है, ये भी 3 है, और दिख रहे हैं तो बताओ भाई, दिख रहे हैं क्या? बोले सर ये पीछे 3 है, ओ भैया आगे 3 देखना है, ठीक है। 32 37 32
35, तो 32 कितनी बार दिख रहा है, दो बार दिख रहा है, 32 32, फिर मुझे दिख रहा है 35, फिर मुझे दिख रहा है 37, ठीक है, ये तीन की सीरीज हो गई। अब बताइए चार की सीरीज में कौन कौन है, तो सर ये चार की सीरीज में है, ठीक है, और ये चार की सीरीज में है, ठीक है सर, ये भी चार की सीरीज में है, और देखिए हो सकता है आपको दिख जाए, बोले सर आपको 45 45 45 तीन बार है, 45 45 और 45, हालांकि अपने हिसाब से मेरा काम हो जाएगा इतने में, ठीक है, हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा काम इतने में। तो देखो बात को ध्यान से सुनना, अच्छा भी समझ में आ जाएगा। ये बताइए कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैंने तो ज्यादा लिख दिए रे, 10 हो गए हैं, थे कितने 14, 14 थे, हमने 10 लिख दिए हैं, चाहे तो और आगे लिख सकते हैं, जैसे जो बच्चे ना महान महान लोग, ये 68 ने 78 ने 93 ने, ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे। अब देखिएगा यहाँ पे अच्छे से समझना, इस 14 का आधा कितना किए थे 7, 7 के बाद 8, 8वां पद बाय 2, तो देखो 7वें पे चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद 8वां पद 2 को जोड़ के आधा, 7वां पद 8वां पद 2 को जोड़ के आधा, तो बताइए 7 5 12 की 2 हासिल 1, 4 3 7 और ये कितना हो जाएगा 8, इसका हाफ कर दो फटाक से जल्दी से, आधा कर दो भाई, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 2 4 8 2 1 2 41 आंसर है क्या ऑप्शन में, होगा 41 आंसर, 41 आंसर, ठीक है, 41 आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सर, बोले सर आपने 14 पद नहीं जमा है, गुड्डू मैंने अगर यहां तक भी जमा था ना तो हमारा आंसर आ जाता, मैंने आपको क्या बताया था कि 7वां पद और 8वां पद तक ले लो बात खत्म, ठीक है, पूरा जमा के किसको बताना, अपन को तो ऑप्शन आंसर निकालना है बस, ठीक है, बाकी जो अगर डायरेक्ट सीधा पूरा जमाना है तो पूरा जमाने वाला सवाल भी मैंने आपको आगे बताया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम अच्छे से, देखिएगा कभी जीरो आ जाए तो क्या करना है, क्योंकि जीरो क्या रहता है कुछ लोगों को कंफ्यूज कर देता है, ये देखिएगा, तो इसको जमाते हम पूरा सिस्टमेटिक ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, और एक और बार मैं बता देता हूं डिटेल में ताकि किसी का डाउट हो तो खत्म हो जाए, ठीक है भाई, जल्दी से बताइए टोटल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, पक्का 12 है, ठीक है सर, तो भैया n बराबर 12 है, n बराबर 12 है, 12 का आधा कितना होगा 6, 12 का आधा होगा 6, छठा पद प्लस 7वां पद बटे कितना 2, छठा पद प्लस 7वां पद बटे कितना 2, है ना, पद देखना भैया, ये दोनों को मैं जोड़ देना, आपको पता है अगर मैं 6 पद तक सवाल ले लूं, छठा पद ले लूं और 7वां ले लूं, दोनों को जोड़ के आधा कर दूं, मेरा आंसर तो वही फिनिश हो जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूं एक सवाल और ताकि आपके दिमाग से अच्छा समझ में आ जाए, ये बताइए सबसे छोटा कौन नजर आ रहा है भैया, जीरो नजर आ रहा है, जीरो के बाद क्या नजर आ रहा है भैया, दो कि एक है, एक है भैया, एक है, कितनी बार है एक बार, फिर हमें दो नजर आ रहा है, दो यहां भी है, दो यहां भी है, मतलब दो कितनी बार है, दो बार है, देखो लिख लेते हैं, तीन को देखो, तीन नजर आ रहा है, तीन एक बार है, तीन एक बार है, इसके बाद देखो चार नजर आ रहा है, चार है कि नहीं है, एक बार चार है, फिर पांच को देखिएगा, पांच देखिएगा, 1 2 3, लो भैया पांच की तो बारंबारता ही ज्यादा है, पांच कितनी बार है, तीन बार है, अब पांच के बाद आ जाइए बड़ी संख्या पे, पांच के बाद 7 7 7 एक बार है, ठीक है, 7 हो जाएगा, 7 के बाद क्या दिख रहा है मेरे भाई, 8 दिख रहा है, कितनी बार दिख रहा है, दो बार दिख रहा है कि एक बार दिख रहा है, 8 हो जाएगा, और 8 के बाद कितना दिख रहा है, 9, 9 भी हमें एक ही बार नजर आ रहा है, ये रहा 9, अब देखो यहाँ पे गिनो इनको, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये बताइए हमारे पद भी कितने थे, 12, अगर मैं 6 और 7 तक जमाता तो भी मेरा आंसर आ जाता, लेकिन मैंने पूरा जमा के बता दिया, कौन से क्रम में जमाए हम लोग, आरोही क्रम में। अब छठा पद और 7वां पद को देख लीजिए फटाक से, देखो कुछ को डाउट रहता है कि जीरो को काउंट नहीं करते, भैया जीरो को 124 है तो इसको हम काउंट नहीं करें तो चलेगा, क्योंकि देखो 124 है, लेकिन वहां कोमा लिखा है, वो संख्या अलग है, जीरो एक पूर्ण संख्या है, तो ये संख्या अलग है, बाकी की संख्या सब अलग अलग चल रही है, तो इसको लेंगे, ये भी संख्या में आएगी, ठीक है भैया, तो 1 2 3 4 कहाँ तक जाना था, छठा पद, 1 2 3 4 5 6 ये छठा पद,
इसके जस्ट बाद वाला पद दोनों को जोड़कर आधा, पांच और चार नौ, नौ का आधा कर दो, नौ का आधा कर दो कितना आएगा भैया 4.5, ये आपकी माध्यिका आ जाएगी और यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा माध्यिका। बहुत ही शानदार, आ गई बात समझ में? ठीक है, तो मैंने आपको दोनों प्रकार के सवाल बताए हैं। देखिएगा यहाँ पे कहाँ गया, मैंने आप समझ गए होंगे स्टार्टिंग में बोला था एक सम टाइप का सवाल आता है, एक विषम का आता है, मैंने आपको दोनों बता दिए, और टेबल वाले तो हम आके करेंगे करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।